उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का मुख्य अतिथि प्रोफेसर पीयूष रंजन अग्रवाल, पूर्व कुलपति वीर बहादुर सिंह, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर आनंद कुमार सिंह द्वितीय, विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा MLKPG कॉलेज दीप प्रज्वलित व माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण का कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। विशेष सचिव अल्पसंख्यक आनंद कुमार सिंह द्वितीय द्वारा कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं एवं युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी नौकरी पर केवल युवाओं को आश्रित नहीं होना चाहिए, स्वरोजगार के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है आत्मनिर्भर भारत का, वह उत्तर प्रदेश सरकार साकार करने का प्रयास कर रही है। नई शिक्षा नीति से छात्र छात्राओं को कॉलेज महाविद्यालयों में विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी। अपनी खपत को विदेशी वस्तुओं से बढ़ाएं, बल्कि अपने देश में रह करके उसका निर्माण करें, न केवल खपत करें, उसको एक्सपोर्ट करें। तो जब हम प्रोडक्शन अपना बढ़ाएंगे, निर्यात ज्यादा करेंगे, तो हम एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे और फॉरेन एक्सचेंज डॉलर या यूरो जो भी अर्जित करेंगे, जिसका उपयोग हम पेट्रोल आदि आवश्यक वस्तुओं के इम्पोर्ट के लिए खर्च कर सकते हैं। तो पूरे प्रदेश में हमारा जो शेयर है टोटल एक्सपोर्ट बास्केट में, बास्केट को कहिए छोटी सी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।